हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम लोग तैयार हो गए, हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड। ये हमारी होटल से बिल्कुल नज़दीक है, बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो हम लोग हो गए रेडी। आ गए हैं, अभी चालू भी हो गया है, थोड़े 20-25 मिनट में हमारा नंबर भी आ जाएगा, बराबर है। फिर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ध्रुवी कितना बसता है वहाँ पर, है ना। खाली आती है ना, खाली आती है, खाली फेज टू। हम अब सीधा हम सेकंड फेज के लिए जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट फेज पे अभी हम लोग नहीं रुक रहे हैं, हम लोग सेकंड फेज के लिए जा रहे हैं। रिटर्न में हम फर्स्ट फेज पे रुकेंगे। फिलहाल 9 बजे हैं और ये सेकंड फेज के लिए लाइन है, तो हम लाइन में अभी लगेंगे सेकंड फेज के लिए। ये फेज वन है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अभी बिल्कुल बर्फ देखने को नहीं मिल रही है, काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा तब जाकर बर्फ़ देखने को मिलेगी। यहाँ पे नज़दीक में तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, एकदम इस तरह से, और काफ़ी धूप है अभी। ये देखिए ये, और ये आगे जा रहा है फेज़ टू के लिए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अभी फेज़ टू के लिए, हम आगे जाएंगे। पहुँचे सेकंड फेज के लिए, पहुँच चुके ऊपर, और ऊपर धूप भी है, बर्फ भी है, मिक्स है आज का। आप जितना प्राइस बोल रहे उतने में नहीं, बहुत ही अच्छा व्यू है, सब पूरा आगे की तरफ एकदम पूरे बर्फ 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 है चारों तरफ, बहुत ही सुंदर है। देखिए फ्रेंड्स ऊपर कितना खूबसूरत है। ये सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज पे भी मतलब बर्फ है, लेकिन आपको घोड़े पे बैठ के दूर तक जाओगे तब आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी, लेकिन सेकंड फेज पे आप जैसे ही उतरे वैसे ही आपको इस तरह की स्नो देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखिए पूरा व्यू है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, और हमें लगा कि मतलब हम सेकेंड फेज तक आए, ये हमारा सबसे बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि इतनी खूबसूरती फर्स्ट फेज पर नहीं देखने को मिलती, लेकिन सेकेंड फेज पर पहुंच के इतनी, क्योंकि अभी मई महीना चल रहा है तो मई महीने में इतनी स्नो नहीं देखने को मिलती, लेकिन सेकंड फेज पे हमको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत स्नो देखने को मिली, और बहुत ज़्यादा ऊपर। एक्चुअली आज जब हम गए ना तो दोनों धूप भी थी और बर्फ़ भी, इतना स्नो भी था और ठंडक भी लग रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इस मौसम को। रियली ब्यूटीफुल है, शब्दों में मैं तो बोलती हूँ, मैंने पूरी कश्मीर ट्रिप में एक चीज़ ही बोली है कि इसकी खूबसूरती शायद हम लोग शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। हमने हर जगह, हम श्रीनगर में थे तो हमने शिकारा राइड भी इतनी अच्छे से एंजॉय की, फिर हम लोग सोनमर्ग में आए तो भी वहाँ पर भी ग्लेशियर में इतना एंजॉय किया, बहुत ही बहुत मज़ा आई, बहुत एंजॉय किया, वहाँ पर भी स्नो बहुत मिली हमको, और बहुत अच्छे से हमने पूरी ट्रिप हमारी बहुत ही अच्छी रही, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और मैं बोल रही हूँ इसके बावजूद भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे जो आसपास है काफ़ी सारे लोग हैं और सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने फिर जब अपना वीडियो सुना तो उसमें थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा था, इसीलिए मैं अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन सच में कह रही हूँ बहुत ज़्यादा सुंदर है ये ट्रिप। मैं बोल रही हूँ मुझे मतलब लाइफ टाइम की बेस्ट याद के तौर पे कश्मीर ट्रिप हमारी सबसे बेस्ट ट्रिप कह सकती हूँ, बहुत ही एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, और इतनी खूबसूरत मतलब स्नो में। एक्चुअली अथु का बहुत मन था कि वो स्नो उसको देखनी थी स्नो पर, काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये भी बोला कि मई महीने में शायद नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हम बहुत लकी रहे कि हमें अभी अभी तक हम जहाँ भी गए हमें स्नो मिली है देखने के लिए, बहुत अच्छी स्नो मिली है, और 0 पॉइंट हमारा मतलब बेस्ट पॉइंट रहा,
बहुत ही ज़्यादा। और ये देखे यहाँ पर ध्रुवी और सब बहुत एंजॉय किया, मतलब हमारी फुल फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और ये देखिए बहुत किरण अपना फ़ोटो शूट करवाने गई है, यहाँ पे रील्स बना के देते हैं, वो अपनी रील्स बनवा रही है। और ये पूरा पीछे का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सच में बहुत ही, मतलब कह रही हूँ ना कि सच में, मतलब ये हमें लगा था कि मई महीना है तो सबकी बातें सुनी थी, तो हम लगा था कि नहीं देखने को मिली किसने, लेकिन बहुत देखने को मिली और बहुत सुंदर देखने को मिली। बेस्ट है, अब बस हमारा 2 दिन रहे कश्मीर ट्रिप के लिए, वो रहेंगे हमारे पहलगाम, तो वहाँ देखते हैं, अभी वहाँ जाएंगे, कल हमारे 2 दिन वहाँ हैं, फिर वहाँ की व्लॉग बना के डालूंगी, तो आप व्लॉग देखते रहना। आपको कश्मीर पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं बन रहा है उतना, क्यों थक भी जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन घूम रहे हैं आप तो थक भी जाते हैं, तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा व्लॉग बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और आपको अगर व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, हम लोग दोनों फेज करके आ गए और हम लोग मॉर्निंग में आए थे तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अभी कितने बजे, 12 बजे, और 12 बजे बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन हो गई। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर गंडोला राइड करनी है तो मॉर्निंग में जल्दी आ जाए, तो छाँव छाँव में अच्छे से हो जाती है, और अगर इस तरह से आज जैसे धूप है तो खड़े रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुबह में आ जाते तो बहुत अच्छा रहता है। हमारी दोनों हो गई, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों हमने कंप्लीट किए और बहुत मज़ा आई वहाँ पर। ऊपर बहुत फेज़ 2 में बहुत अच्छी बर्फ़ देखने को मिली, और अभी दिखाती हूँ कि कितनी लाइन है अभी बाहर, बहुत काफ़ी सारे लोग लाइन में खड़े हैं।